झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। क्या गेहूं के निर्यात पर लगा बैन हटेगा? दरअसल हाल ही में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया था। सरकार ने ये फैसला इसलिए किया ताकि गेहूं की कीमतें काबू में रहें, जो तेजी से महंगा हो रहा था। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा था कि आखिर गेहूं के निर्यात से बैन कब तक हटेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि अभी मोदी सरकार फिलहाल गेहूं के निर्यात से बैन नहीं उठाना चाहती है। गेहूं के निर्यात से बैन उठाए जाने को लेकर रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गेहूं के निर्यात से अभी बैन नहीं उठाया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि सरकार ने अन्य देशों की सरकारों के साथ जो डील की है उसे भी तोड़ा नहीं जाएगा। भारत में गेहूं के निर्यात पर 14 मई को बैन लगाया गया था। दरअसल बेहद गर्म हवाओं की वजह से उत्पादन पर असर पड़ा है और घरेलू बाजार में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची थी। वहीं भारत से गेहूं निर्यात पर बैन लगाए जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। गेहूं के निर्यात से बैन हटाए जाने के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा है कि अभी दुनिया में बहुत अधिक अस्थिरता है। अगर हम अभी गेहूं के निर्यात से बैन हटाते हैं तो इससे सिर्फ कालाबाजारी करने वालों को ही फायदा होगा। इससे उन देशों को कोई फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें वाकई गेहूं की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा है कि देश की जरूरतें पूरी करने का सही तरीका होगा सीधे सरकारों के बीच में डील करना। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।